हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल हर्पीस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, इसके कॉज क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल हर्पीस क्या होता है? तो ये एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो HSV वायरस के वजह से होता है, जिसे हम लोग हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस भी कहते हैं। इसमें ऐसा देखा जाता है कि लोगों को स्मॉल बम्स अपीयर होने लग जाते हैं जो ज़्यादातर उनको जेनाइटल एरिया में होता है, कई बार उन्हें माउथ में भी हो सकता है, जिसे ओरल हर्पीस कहा जाता है। इन ब्लिस्टर्स में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। ये कई बार अपीयर होते हैं और कई बार अपीयर नहीं भी होते। अगर आपको HSV है और आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप दूसरे लोगों को ये बीमारी फैला सकते हैं। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि आखिर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जेनाइटल हर्पीस के पेशेंट्स में। तो ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें HSV इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम नहीं आते या फिर जो सिम्टम उन्हें आते हैं वो काफ़ी माइल्ड होते हैं। अगर जिन लोगों को सिम्टम्स आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उन्हें ब्लिस्टर फॉर्म होने लग जाते हैं। ब्लिस्टर्स में कई बार फ्लूइड भी हो सकता है। इन ब्लिस्टर्स में उन्हें पेन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, उन्हें टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। कई बार ये ब्लिस्टर्स कुछ दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कुछ महीने बाद दोबारा से उन्हें आने लग जाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अल्सर्स भी होने लग जाते हैं। जो ब्लिस्टर उन्हें पहले फॉर्म हुआ था वो ब्लिस्टर्स रप्चर हो जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्सर में यूरिनेशन के टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होता है और पेन भी फील होने लग जाता है। सॉर्स जेनाइटल एरिया के अलावा ऐसा देखा जाता है कि थाइस में भी हो सकता है, यूरेथ्रा में हो सकता है, इसके अलावा सर्विक्स या फिर वजाइनल वॉल में भी हो सकता है। मेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें हर्पीस पीनिस, स्क्रॉटम या फिर एनल एरिया में हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर जेनाइटल हर्पीस होने का कॉज क्या है। तो ऐसा देखा जाता है कि HSV वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। HSV दो टाइप के हो सकते हैं, HSV-1 और HSV-2। HSV-1 ओरल हर्पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके ओरल कैविटी में होता है, आपके लिप्स या माउथ के आसपास हो सकता है, जो ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से फैलता है। इसके अलावा HSV-2 है, उसे आप जेनाइटल हर्पीस कह सकते हैं, जो आपके जेनाइटल एरिया में होता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तब आपको जेनाइटल हर्पीस हो सकता है। जेनाइटल हर्पीस सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से फैल सकता है। इसके अलावा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है। ये हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब बहुत ही जल्दी फैलने वाली बीमारी है, और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। हर पर्सन को लाइफ में एक बार कोई ना कोई HSV इन्फेक्शन होता ही है। अब मैं आपको जेनाइटल हर्पीस के रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स को ज़्यादा हर्पीस इन्फेक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। और इसके अलावा अगर किसी पर्सन के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो ऐसे लोगों में भी ये इन्फेक्शन होने लग जाता है। अब मैं आपको इसके होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को HSV हुआ है तो आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रश्टॉक्स 200 का यूज़ कर सकते हैं, आप थूजा 200 का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप ग्रेफाइटिस 200 या फिर बोरेक्स 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन जेनाइटल हर्पीस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।